Hello students, welcome to maths class. I am Anpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 12, pictorial representation. In previous video, I have give you introduction. In today's video, I am going to explain you exercise 12.1. So let's start. Your question 1 is bete. In a school, students of class 3 were asked to choose from the following activity clubs. एक स्कूल के बारे में बात की गई है बेटे कि एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट से उनकी चॉइस पूछी गई थी कि उनको कौन सा एक्टिविटी क्लब पसंद है. ठीक है, सो हमारे पास कुछ एक्टिविटी क्लब्स के नेम नीचे दे रखे हैं, डांस, म्यूजिक, थिएटर एंड स्केटिंग. ठीक है, तो जिस बच्चे ने जो भी चॉइस बताई गई वो चॉइस उसकी यहां पर हमारे पास रिटर्न में दे रखी है, मींस हमें डाटा दे रखा है. हमने चॉइसेस पूछी और एक इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो गई कि म्यूजिक किस बच्चे ने बोला था, थिएटर किसने बोला था, ठीक है, डांस किसने बोला था और स्केटिंग. नेक्स्ट हमारे पास आता है वी हैव टू मेक अ टेली चार्ट. हमें टेली मार्क्स से इस डाटा को जो हमें गिवन है रिप्रेजेंट करना है. तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी बेटे, आपने जो देखी थी, उसमें मैंने आपको टेलीमार्क्स कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में बताया था. ठीक है, सो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे. हमारे डाटा को पहले हम ऑर्गेनाइज करेंगे, मींस हमारे पास डांस के कितने स्टूडेंट्स हैं, म्यूजिक के कितने हैं, थिएटर के और स्केटिंग के. तो उसके लिए हम काउंटिंग करेंगे. सबसे पहले हम डांस से स्टार्ट हो जाएंगे. सो डांस को हम नंबर 1 देते हैं. ठीक है, 1. उसके बाद डांस आपके पास यहां पर है. ठीक है, नेक्स्ट इस लाइन में डांस यहां पर है. नेक्स्ट सेकंड लाइन में हम चेक करें तो डांस हमारे पास ये रहा. उसके बाद नेक्स्ट यहां पर है, यहां पर और एंड में यहां पर. तो अब हम इसकी काउंटिंग कर सकते हैं डांस वालों की. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है, सो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए डांस में, दैट इज 7. पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है म्यूजिक. सो हम म्यूजिक को नंबर 2 दे देते हैं. सो म्यूजिक यहां पर है. नेक्स्ट म्यूजिक, उसके बाद म्यूजिक, नेक्स्ट. ठीक है, सो इस तरीके से आपको म्यूजिक ढूंढना है कहां कहां पर आपको दे रखा है. अब सेम प्रोसेस हम इसको काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो म्यूजिक में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 6. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थिएटर. नेक्स्ट हम थिएटर को 3 नंबर दे देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है थिएटर. नेक्स्ट यहां पर और उसके बाद आपके पास है लास्ट लाइन में यहां पर. सो हम 3 नंबर जहां लिखा है वो काउंटिंग करेंगे, 1, next 2, 3 and 4. सो थिएटर में हमारे पास 4 स्टूडेंट्स है. लास्ट है स्केटिंग. सो स्केटिंग इज 4, 1. ठीक है, नेक्स्ट स्केटिंग आपके पास यहां पर है और उसके बाद लास्ट यहां पर. ठीक है, सो स्केटिंग में आप काउंट करेंगे, 1, 2, 3 and 4. अगेन स्केटिंग में भी मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं. सो हमने डाटा फिल कर लिया है. अब इसको हम टेलीमार्क्स में रिप्रेजेंट करेंगे. तो टेलीमार्क्स में मैंने आपको बताया था कि हम जब हमारे पास 5 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो हम उसको ग्रुप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, मींस 5-5 का ग्रुप बनता है हमारे पास. ठीक है, सो यहां पर है 7, हम कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 हो गए, देन दिस इज 5. सो 5 का एक ग्रुप बन गया. ठीक है, अब मेरे पास कितने बचे, 7 में से 5 माइनस हो गए, 2 अभी भी बचे, सो 1, 2. ठीक है, थोड़ा सा गैप देकर फिर नेक्स्ट वाला ड्रॉ करना है ताकि आपको ग्रुप का पता चल सके. नेक्स्ट है 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6. नेक्स्ट 4 है तो 1, 2, 3, 4. 4 ही था इसलिए मैंने 4 लाइन ड्रॉ की है.
ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस लाइन ड्रॉ नहीं करनी है क्योंकि आपके पास नंबर लेस देन 5 है, 5 में हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं, अगेन 4 में 1 2 3 4, ठीक है। सो ये हमारा एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब हमारे पास इस में आपको क्वेश्चंस भी पूछे गए जिनका आंसर हमें इसके अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच एक्टिविटी इज चूजन द मोस्ट बाय स्टूडेंट्स। द मोस्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है। सो मींस जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे वो एक्टिविटी उनकी फेवरेट हुई। हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ है 7। सो कौन सी एक्टिविटी थी ये, डांस। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे डांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज थिएटर। सो यहाँ पर हमारे पास नंबर पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट्स को थिएटर पसंद है। सो हम थिएटर में जाएंगे और चेक करेंगे थिएटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 4। तो आप यहां पर लिखेंगे 4। नेक्स्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज फॉर म्यूजिक, अगेन कितने स्टूडेंट्स को म्यूजिक पसंद है। सो हम अगेन यहां से चेक कर सकते हैं, म्यूजिक में गए हमने चेक किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6, सो हमने यहां पर लिख दिया 6। नेक्स्ट डी पार्ट इज विच एक्टिविटी इज चूजन बाय 4 स्टूडेंट्स। कौन सी एक्टिविटी है ऐसी है जिसको 4 स्टूडेंट्स ने पसंद किया है, ठीक है। सो हम चेक करें तो हमारे पास दो ऐसी एक्टिविटी है जिसमें 4 स्टूडेंट्स है, तो वो कौन सी है, थिएटर एंड स्केटिंग। तो हम दोनों के नाम लिखेंगे, ठीक है, थिएटर और नेक्स्ट आप लिखेंगे यहां स्केटिंग, क्योंकि दो एक्टिविटीज है दोनों में 4 स्टूडेंट्स है तो दोनों के नेम लिखे जाएंगे, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करना है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।